हेलो स्टूडेंट, आई एम यूसुफ योर मैथ टीचर। टुडे वी विल डिस्कस क्लास थर्ड मैथ चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज 1.4। आज हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें मैंने प्रीडिसेसर, सक्सेसर और थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सिंबल बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो नंबर दिए उनको अरेंज करना है, कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उससे बड़ा एंड लास्ट में सबसे बड़ा। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 1076, 5761, 3612, 2096। सभी 4 डिजिट के नंबर्स हैं। हम पहले सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं कि सभी नंबर्स में कितने डिजिट के हैं। वो तो सभी 4 डिजिट के नंबर हैं। मैंने लिख दिया ऑल न्यूमरल्स आर 4 डिजिट। जब डिजिट सेम होते हैं तो फिर हम प्लेस देखते हैं कि किस प्लेस पे कौन सा डिजिट है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड पे यहाँ 2 है, यहाँ थाउजेंड पर 3 है, यहाँ थाउजेंड पर 5 है, यहाँ थाउजेंड पर 1 है। यानी 4 डिजिट का जो नंबर होता है वो थाउजेंड का होता है। तो यहाँ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड पर 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 1। तो सबसे छोटा नंबर हमें मिला ये, क्योंकि 1 जो है थाउजेंड प्लेस पर 1 है। इसको हमने लिख दिया लेस देन। अब इन तीन में देखना है, ये तो हमने लिख दिया, इन तीन में देखना है इनमें कौन सा सबसे छोटा है। ये है 2096, वो लिख दिया लेस देन। 3612 यहाँ लिख दिया एंड लास्ट में सबसे बड़ा लिख दिया। हैंस असेंडिंग ऑर्डर इज 1076, 2096, 3612, 5761 लिख दिया हमने। इसी का सेकंड पार्ट 262, 8158, 3196, 2621। फिर इसमें डिजिट देखते हैं, इसमें 3 डिजिट का ये नंबर है, ये बाद बाकी के 4 डिजिट के नंबर हैं। तो सबसे छोटा नंबर ये हो गया हमारा, क्योंकि ये 3 डिजिट का है। इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं। यानी तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे, उसके बाद इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो प्लेस देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, थाउजेंड पर 2 है, या थाउजेंड पर 3 है, या थाउजेंड पर 8 है। तो सबसे छोटा इनमें ये हुआ लेस देन। अब इन दोनों में देखते हैं सबसे छोटा कौन सा, ये हुआ। फिर सबसे लास्ट में ये। हैंस असेंडिंग ऑर्डर इज 262, 2621, 3196, 8158। इससे हमने लिख दिया, ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको आपके लिए छोड़ दिए हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं, ये आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और समझ कर फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको खुद से सॉल्व करना है। ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद सबसे उससे छोटा एंड लास्ट में सबसे छोटा। तो फर्स्ट पार्ट इसका है 9219, 8218, 1218, 3463। सभी में हम डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी सभी 4 डिजिट के न्यूमरल्स हैं। सब सेम डिजिट के नंबर्स होते हैं, तो उसमें हम प्लेस देख लेंगे। यहाँ थाउजेंड प्लेस यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड पर 3 है, यहाँ थाउजेंड पर 1 है, यहाँ थाउजेंड पर 8 है, यहाँ थाउजेंड पर 9 है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये हुआ, क्योंकि थाउजेंड पर यहाँ 9 है। तो इसको हमने लिख दिया ग्रेटर देन। अब ये इन तीनों से बड़ा है, अब इन तीनों में देखना है, क्योंकि ये तो हम तो लिख लिए हैं। अब इनमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ 8218 को हमने लिख दिया ग्रेटर देन। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा है। इसमें ये बड़ा है एंड लास्ट में सबसे छोटा। हैंस डिसेंडिंग ऑर्डर इज 9219, 8218, 3463, 1218। ये हमने इस तरह लिख दिया। इसके बाद थर्ड सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 1001, 1002, 101। अब ये देखना है, ये 3 डिजिट का है, ये दोनों 4 डिजिट के हैं और ये 3 डिजिट का है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है 4 डिजिट के में। ये 1002 है, ये 1001 है। यहाँ पर
वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड पे यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, तो इसके बाद देखते हैं यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, मगर वंस पे यहाँ जीरो है, यहाँ टू है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। फिर इन दोनों में देखते हैं इनमें कौन सा बड़ा है, यहाँ 101 है या 100 है, तो इसको हमने पहले लिख दिया 101 को और लास्ट में इसको लिख दिया। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज 1002, 1001, 101, 100। ये दो क्वेश्चन मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर के बताए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपको प्रैक्टिस वर्क है। डिसेंडिंग ऑर्डर के दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो आपको समझना है और उसके बाद ये खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर सिक्स है मेक द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग गिवन डिजिट, जो डिजिट दिए हैं। डिजिट क्या है, फर्स्ट पार्ट में 1005। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा डिजिट सबसे छोटा है। द स्मॉलेस्ट नंबर अदर देन जीरो इज वन, यानी वैसे सबसे छोटा तो इसमें डिजिट जीरो है, मगर जीरो को हम पहले लिख देंगे तो नंबर हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि फोर डिजिट का हमें नंबर बनाना है, क्योंकि इसमें फोर डिजिट दिए हैं। तो सब जीरो को छोड़कर देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा, वो है वन, तो हम वन को लिखेंगे और उसके बाद फिर जीरो को लिखते हैं, जीरो जीरो लास्ट में सबसे बड़ा, यानी कि सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1005। इसी का हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तब तक ग्रेटेस्ट डिजिट इज़ 5, यानी सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 5, सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5, फिर उसमें उससे छोटा लास्ट में सबसे छोटा, यानी कि 5100, ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 6213, स्मॉलेस्ट डिजिट इज़ 1, इसमें सबसे छोटा डिजिट जो है वो 1 है, तो हम लिखेंगे 1 2, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 6, यानी सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1236। द ग्रेटेस्ट डिजिट इज़ 6, अब ग्रेटेस्ट नंबर बना 10, सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 6321, यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो 6 है, तो हम सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट तो मैंने छोड़ दिए हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ये 9981 है, 2137 है, 5617, इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर दोनों ही बनाना है, क्योंकि इससे पहले मैंने दो क्वेश्चन किए हैं, इसमें दोनों क्वेश्चन में मैंने यही बताया है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनते हैं। तो आपको ये समझ कर, ये देख कर, ये वीडियो, ये क्वेश्चन को देख कर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाने हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, तब तक आप ये एक्सरसाइज 1.4 अच्छे से स्टडी करें। इसमें कुछ प्रैक्टिस वर्क दिया है, वो आप इस वीडियो को देखकर कुछ से सॉल्व करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे।